نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد एक भाई ने ख्वाब देखा और उन्होंने पूछा कि ख्वाब की मुझे थोड़ा डर सा लग गया है, क्या कोई ख्वाब की परेशानी तो नहीं है या तकलीफ़ तो नहीं हो सकती या ख्वाब की बुरा तो नहीं है। उन्होंने ये देखा है ना कि जवान है कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो सारे बाल सफ़ेद हैं। जब भी कोई भाई या बहन की ख्वाब देखे कि वो जवानी में सफ़ेद बाल ख्वाब में देखती है, तो इसका ये मतलब है कि अल्लाह उसको बुजुर्गी देना चाहते हैं, अल्लाह अपने औलिया अल्लाह में शामिल करना चाहते हैं, अल्लाह अपना ताल्लुक देना और अपना कुर्ब देना चाहते हैं। या मुमकिन है कोई ऐसा उस हाल में कोई ऐसा बच्चा यानी बेटा अता फरमाए जो इंतहाई कमाल दर्जे का मुत्तकी तकवे वाला और खैरख्वाह उम्मत का वो अल्लाह अता फरमाए, ये मुमकिन है। इसी तरह ख्वाब देखा किसी साथी ने कि मैंने बाज को पकड़ा है। बाज को पकड़ना ये भी अच्छी अलामत है, इससे मतलब ये है कि या तो ड्यूटी मिलेगी या कोई सरदारी मिलेगी। ड्यूटी मिलेगी तो कहा कि मैं वक्त के ओहदे में से कोई ओहदा या अपने कबीले की या इलाके की या किसी भी सतह की सरदारी मिलेगी, यानी ये भी अच्छी बात है। अल्लाह दोनों ख्वाबों को ख्वाब वालों के लिए मुबारक फरमाए और ख्वाब की नहुस्तों से महफूज फरमाए, अल्लाह अपना कुर्ब अता फरमाए, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी, अपने हबीब के एक एक सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए।